ओके गुड। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ग्रेडियंट। ये हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे ब्लर, जूम करके देखें, ब्लर शार्पन एंड स्मज। वैसे मैं ये यूज नहीं करता, स्टार्ट में आपको फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ। ओपन करता हूँ इमेज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे हाँ ये होगी मेरे ख्याल में, दिखता है। ओके ठीक है, यहाँ पे आपको बेटर में समझा सकूंगा। ओके वापिस आते हैं हमारे टूल की तरफ। यहाँ पे देखें आपको टूल मिलेगा, पहला ब्लर टूल। ये वैसे रोकने से मैं टोटली मना करता हूँ, खैर आपको पढ़ा देता हूँ। कभी कभी काम आ जाता है, अभी भी मुझे काम आता है, लेकिन मैं ना होने के बराबर यूज करता हूँ। जहाँ पे मैंने एक किसी पार्टिकुलर जगह पे अप्लाई करना हो वहीं पे अप्लाई करता हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड पूरा ब्लर करना है या कोई ऑब्जेक्ट ब्लर करना है, तब आप ये यूज ना करें, मैं कभी भी ना देखूं। क्योंकि जब मैं आपके असाइनमेंट देखूंगा ना, नेक्स्ट जो आने वाले असाइनमेंट है, मैं आपसे जेपीजी नहीं लूंगा, मैं आपसे पीएसडी लूंगा। देखूंगा कि आपके क्या कारनामे हैं लेयर्स में, लेयर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो अब मैं लेयर भी चेक करूंगा कि अरेंजमेंट करते हैं नहीं करते, क्या स्टेप लेते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक हो गया, अभी मैं ये समझा देता हूँ ब्लर टूल का काम क्या है। ब्लर टूल हर किसी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ब्लर करने के लिए काम आएगा, धुंधला करने के लिए। तो जूम करके इसको देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट हमें दिखाएगा। उससे पहले इसको इनेबल करते हैं और ऊपर कुछ ऑप्शन देखते हैं। इसकी स्ट्रेंथ है 50, यानी कि इसकी हार्डनेस कितनी हो, ओपेसिटी इसकी कितनी हो, कितना हार्ड अप्लाई हो, कितना ये कम अप्लाई हो। 50 देख लेते हैं कि इस इमेज पे कैसे अप्लाई होगा। अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड तो वैसे ही ब्लर है, हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये ब्लर होता है या नहीं होता। ये लो क्वालिटी इमेज है तो यहाँ बड़े अच्छे से अप्लाई हो रहा है। अगर कोई यहाँ पे डीएसएलआर की इमेज होती तो वहाँ पे जरा फर्क भी नहीं पड़ना था। जैसे मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ, ये देखें अप्लाई होती जा रही है। अक्सर मैं क्या काम करता हूँ कि कोई प्राइवेट पिक्चर हो, यानी कि कोई मैंने अपना प्रोजेक्ट दिखाना हो और फेस को हाइड करना हो, तो मैं इस तरह ब्लर कर देता हूँ, यहाँ पे आके ब्लर कर देता हूँ। ठीक है, ये आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई डिटेल की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपको लगता है कि ये कम है, ऊपर आए, स्ट्रेंथ इसकी क्या है 50 है, इसको आप 100 करें और अब आप अप्लाई करें, ये उससे भी बेटर अप्लाई होगा। क्लिक छोड़ दें, दोबारा अप्लाई करें, ये अप्लाई होता जाएगा, ना कि एक बार होगा। इसका ये काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक और इसमें ऑप्शन है सैंपल नॉलेज का, इसको हमेशा इनेबल रखें। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, इसके मोड हमेशा नॉर्मल रहें, बाकी किसी को ना छेड़ें आप। ठीक है, ब्लर का ये काम है। इसके बरक्स मैं एक और इमेज लेके आता हूँ जो कि फुल एच डी हो, रॉ फाइल लेके आता हूँ मैं। जैसे कि ये है, MB की इमेज है, फोटोशॉप ही हैंग हो गया मेरा। ओके 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 हाँ, पहले तो इसको जल्दी से लाइट कर लेते हैं। ओके ठीक है, इसको मैंने लाइट कर लिया यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लर यहाँ पे क्या काम करेगा। अब यहाँ पे देखें, अप्लाई कर रहा हूँ, ना होने के बराबर हो रहा है। इसका मैं साइज बढ़ाता हूँ, ये देखें ना होने के बराबर है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे देखें, मैं लेफ्ट क्लिक होल्ड करके बैठा हूँ, यहाँ पे देखें अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। हाँ इसको हाइड करूंगा ना, थोड़ा सा मुझे डिफरेंट नजर आएगा, लेकिन ना होने के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या वजह है, इसकी क्वालिटी फुल हाई थी। ये रॉ फाइल है, डीएसएलआर की रॉ फाइल है, इसमें बहुत सारी डिटेल है। रॉ फाइल क्या होती है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी यहाँ पे देखें वो अप्लाई हो नहीं रहा है यहाँ पे। ओके कहते हैं, इसको मैं हाइड करता हूँ, ये देखें ना होने के बराबर डिफरेंस है। मैं इससे मजीद जूम करता हूँ,
अब आपको शायद नजर आए कुछ डिफरेंस यहाँ पे। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि ये इमेज की क्वालिटी के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। व्हाट इज रॉ फाइल, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जेपीजी, हाँ जो जी, क्वालिटी अच्छी होगी उसका ये ब्लर नहीं करेगा। नहीं करेगा, उसके लिए कुछ और चीजें हैं। अब ये देखें ना, रॉ फाइल थी 70 MB की थी, 70 MB की, और मेरे पास रॉ फाइलें हैं 100 MB की, 150 MB की, उस पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती क्योंकि इतनी हाई क्वालिटी आते भी ज़्यादा, ठीक है। रॉ फाइल क्या होती है मैं आपको बताऊं, रॉ पहले तो आपको बताऊं जेपीजी क्या होती है, ज्वाइंट फोटोग्राफी की, ये इस तरह से है, यानी कि स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है, हर जगह पे होती है, पिक भी नहीं करता ब्लर राइट राइट, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो HD होती है। रॉ फाइल होती है उसमें बहुत सारी डिटेल डाल होती है, जेपीजी क्या होती है कंप्रेस्ड फॉर्मेट होती है, उसमें डिटेल्स नहीं होती, ठीक है। और मैं डिटेल में खैर तब समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे कैमरा लॉक फिल्टर, और यकीन करें आपको ये पढ़ के मजा आने वाला है, आपकी जो एडिटिंग है ना नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी इंशाल्लाह, और हो सकता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ, ठीक है, ये हम देखेंगे। अभी हम आते हैं रॉ का, भी मैं ब्रीफ में दूंगा, अभी के लिए इतना समझ लें कि जेपीजी जो है कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, उसमें जो डेटा होता है वो बहुत कम होता है, डेटा क्या होता है ये मैं बाद में समझाऊंगा, रॉ फाइल में डेटा सारा मौजूद होता है जो हम क्लिक करते हैं, यानी कि जितना मर्जी डाल के उसको अगर हम लाइट करें तो वो लाइट हो जाएगी। अगर मैं अभी करके दिखाऊं, समझा नहीं रहा, जस्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ जल्दी में, अब ये कैमरा रॉ में ही ओपन होगी, क्यों हो रही है ये मैं बाद में समझाऊंगा, जो रॉ फाइल होगी हमेशा कैमरा रॉ में ओपन होगी, कैमरा रॉ फिल्टर बेसिकली बना ही रॉ फाइल के लिए है, ना कि हमारी जेपीजी के लिए। अगर मैं इसको लाइट कर रहा हूँ, ये बढ़ा रहा हूँ, शेडो बढ़ा रहा हूँ, देखें यहाँ पे कोई खराब नहीं हो रही तस्वीर, देखें अपनी जेपीजी को अभी इतना लाइट करके देखें क्या होता है, कबाड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जितनी मैं इसके मर्जी फिल्टर अप्लाई करूँ, इसको मैं लाइट करूँ, जो मर्जी करता रहूँ, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये देखिए सारा कुछ मुझे क्लियर नजर आ रहा है, ये डेटा सेव था रॉ फाइल में, जेपीजी अगर आपकी हो ना तो उसमें कुछ भी शो नहीं होने वाला, यहाँ पे मैं जितनी मर्जी लाइट करता जाऊंगा यहाँ पे वो मुझे डिटेल नजर आती जाएंगी क्योंकि वो उसमें सेव है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिटेल में बाद में देखेंगे, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा, फोटोग्राफी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत काम आएगा। हाँ जी वापस आते हैं, ब्लर टूल को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसका यही काम था। नेक्स्ट है शार्पन, हाँ शार्पन में अक्सर मुझे गर्ल की जो पिक्चर आती है एडिट करने के लिए मैं उस पर यूज करता हूँ, उस पर कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ, डिटेल्स के लिए भी लेके आ सकते हैं, लेकिन जो गर्ल की पिक्चर होती है ना उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास। ये देख लेते हैं, हाँ जी गर्ल्स ने जो ये मेकअप किया होता है ना इसको मजीद लाइट करने के लिए, शाइनिंग में लेके आने के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे शार्पन टूल, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग काम करेगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं अप्लाई करता हूँ और देखिएगा कैसे यहाँ पे डिटेल्स आती हैं, इसको अप्लाई करें और बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ ये नहीं करना अप्लाई करते रहें करते रहें करते रहें, इस तरह ये देखें खराब हो जाएगी, हल्का सा अप्लाई करें और लेफ्ट साइड पे और इस साइड पे भी देख लेता हूँ मैं, हल्का सा अप्लाई किया, ठीक है। और अब देख लें क्वालिटी आपके सामने है, जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है, इसको हाइड करें, पहले ये था डल था बिल्कुल, और आप देखें यहाँ पे शाइनिंग आ चुकी है, तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं शाइनिंग लेके आने के लिए। आईज में भी आप हल्का सा अप्लाई करें, लेकिन इसके लिए भी हम कुछ और चीजें देखेंगे, फिलहाल आप ये देखेंगे यहाँ पे डिटेल आ चुकी है, तो इस तरह की इमेजेस में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी इमेज में डिटेल लेके आना चाहें जैसे कि ये है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रोकूंगा, ये डिस्ट्रक्टिव काम है, ये देखें इस तरह करते बर्न करता जा रहा है इमेज को, ठीक है, ये देखें ये खराब करता जा रहा है। हाँ अगर आपने शार्पन करना ही है तब आप क्या करें, एक डुप्लीकेट लें, ऊपर आए फिल्टर में और शार्पन शार्पन मोड जो कि मैंने कल भी बताया था, शार्पन मोड पे क्लिक करें और अब देखें आपके पास शार्पनेस आ चुकी है, ये कुछ ज्यादा है क्योंकि लो क्वालिटी थी, इसकी मैं ओपेसिटी कर दूंगा 50, अब देखें, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, बाकी आप मेकअप को इनहेंस करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। सर ग्रेन है बहुत इससे, हाँ जी, तो इस वजह से मैं ओपेसिटी कम कर रहा था ना,
ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन रिपीट कर दें? कौन सा रिपीट करूं, ये शार्पनेस वाला? इसको तो फिर मेकअप किट भी कहा जा सकता है शार्पन की बजाय। अच्छा नाम है, आप ले सकते हैं ये नाम भी, कह सकते हैं। ओके, मैं देखता हूँ कोई और इमेज। शायद हाँ, ओके, यहाँ पे आते हैं, शार्पन में आता हूँ, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। सिंपली अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई भी सेटिंग नहीं है इसकी। मैं स्मॉल साइज करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ओके, हो गई है शाइनिंग, और यहाँ पे भी आती है। इसको ज्यादा यूज नहीं करना फोटोशॉप में, कोई भी फिल्टर है, कोई भी टूल है, उसको ओवर यूज कभी भी ना करें। ओके, ओवर यूज इसको कभी ना करें, बस शाइनिंग लेके आने के लिए यूज करें। यहाँ पे देखें कहीं भी है स्किन पे, तो हम यहाँ पे शाइनिंग लेके आ चुके हैं। यहाँ पे देखें पॉप अप करने के लिए, मैं देखता हूँ अगर कोई ब्राइट की इमेज है तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट लेके आएगी, हो सकता है मेरे पास हो। आप इसको यूज करें और देखें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे मेरे पास आई थिंक नहीं है, खैर आप लोग ट्राई करना और मुझे दिखाना क्या रिजल्ट मिला आप लोगों को। ब्राइट की इमेज है, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, लो क्वालिटी इमेजेस को ये खराब करेगा, हमेशा खराब करेगा। कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की इमेज लेके आए और उसके ऊपर ये अप्लाई करें, उसका रिजल्ट देखें, रिजल्ट आपको क्या मिलता है। अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, यहीं से आप देख सकते हैं शाइनिंग आ चुकी है वहाँ पे, और जूम करके देखें तो मजीद क्लियर होगा, ये देखें शाइनिंग आई है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इमेजेस में शार्पनेस लेके आए उसके लिए शार्पनेस फिल्टर यूज करें, ना कि ये टूल। स्मूथ करने के लिए कोई और टेक्निक है वो बतानी है आपने, उसके लिए फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, वो थोड़ी सी एडवांस है, अभी जो बिगनर्स है ना उनको समझ नहीं आएगी, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन टेक्निक का नाम है, अगर आप यूट्यूब पे पहले देखना चाहें कोई बात नहीं। ओके, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन पे शायद मैंने भी वीडियो बनाई हो, वेट मैं देखता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने बनाई थी फ्रीक्वेंसी पे, नहीं बनाई यार, अब यूट्यूब पे देख सकते हैं। ओके, मैंने एक बार ट्राई किया तो अभी क्लास के बाद आपको चेक करवाऊँ। ओके गुड, इसके अलावा वैसे गर्ल की जो पिक्चर होती है ना, आप पिंपल वगैरह रिमूव करें, लाइट करें थोड़ा सा, मेकअप को इनहेंस करें, अगर मेकअप नहीं भी है, मेकअप आप अप्लाई करें, आपको आना चाहिए, मेकअप अप्लाई जी करें। हाँ जी मैं भी यही कह रही थी, अगर किसी के फेस पे मेकअप नहीं है तो इससे हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मेकअप अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको सिखाऊंगा मैं, मेकअप अगर नहीं भी है ना वो हम कर सकते हैं, इसमें पॉसिबल है। मैं एक कोटेशन कहता हूँ, इफ यू थिंक इज, वेरी गुड, मैं लिख देता हूँ, मेरी फेवरेट कोटेशन है, इफ यू थिंक दिस यू कैन डू दिस इज फोटोशॉप। ठीक है, कुछ भी है। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ तक? गर्ल गियर मैं आपको बता दूँ, मुदरक नाम है, गलत नाम तो नहीं ले रहा। गर्ल की पिक्चर में आप पिंपल रिमूव करें, थोड़ा सा उसको लाइट करें, ज्यादा भी लाइट नहीं करना, ठीक है, और थोड़ा सा इनहेंस करें, यानी कि शार्पनेस लेके आए, कलर्स को थोड़ा सा ठीक करें, बस इतना सा बनाए, स्मूथ करने की जरूरत नहीं है, वो बुरी लगेंगी। जो बॉयज की पिक्चर है ना वो भी इंडोर है या आउटडोर जो भी है, उसको आप फुल स्मूथ कर सकते हैं, जो मर्जी फिल्टर अप्लाई करें, ये आपने ख्याल करना है। ओके, इसके अलावा कोई फोटोशॉप ओपन करके बैठा करें, जो भी चीजें मैं आपको बताऊं वो साथ साथ अप्लाई करते जाएं, ठीक है? ओके गुड, क्लियर है। एक और चीज आपको बताऊं, गिफ्ट समझ लें, ये भी मेरी तरफ से, और गिफ्ट इसलिए कि आप लोग मैच क्रिकेट छोड़ के यहाँ पे आए हैं क्लास लेने, तो आपके लिए गिफ्ट हो गया।
मैं एक इमेज लेके आता हूँ जो कि टोटली टोटली डार्क है, और वो है रॉ फाइल। रॉ फाइल जैसे कि ये लेके आ जाता हूँ, इससे भी डार्क और क्या हो सकती है। सर ये भी बता दें, आप जो इसमें एकदम लाइट करते हैं डार्क, वो भी बता दें कैसे करते हैं। ये मैं चार पांच स्टेप करता हूँ, आपको लगता है एकदम करता हूँ, ये असल में शॉर्टकट यूज करता हूँ ना, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, स्लो स्लो हर एक टेक्निक बताऊंगा। अभी देखें, अभी ये बता रहा हूँ आपको, कंट्रोल जे करें, ठीक है। और आप क्या करें, यहाँ पे कोई भी डार्क इमेज है उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आए इमेज में, एडजस्टमेंट में, शेडो हाइलाइट्स, कहाँ पे, इमेज एडजस्टमेंट शेडोज हाइलाइट्स, यहाँ पे देख लें, ठीक है। ये हो गई हमारी इमेज लाइट यहाँ पे, एक तो ये तरीका है। इसके बाद मैं एक और इमेज भी लेके आ जाता हूँ, एक ये भी ओपन करके बैठता हूँ। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी ग्रुप में शेयर की थी पहले, जो पहले ग्रुप था ना उसमें की थी, जो न्यू है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके ओपन, ठीक है। मैं कंट्रोल जे करता हूँ, इमेज एडजस्टमेंट एंड शेडोज हाइलाइट्स, लें जी एक क्लिक में, लोग कहते हैं मैंने कर दिखाया, एक क्लिक में लें जी लाइट हो गई है, और इसकी क्वालिटी अच्छी थी, दैट्स वाई ये रिजल्ट आया है। यहाँ पे ये रॉ फाइल थी, इसमें ये डेटा सेव था, तो देखें ये एक क्लिक में लाइट हो चुकी है, और इस तरह की इमेज यहाँ पे हमें वो रिजल्ट नहीं मिला था। उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी आपको सर एक समझाता हूँ, दफा रिपीट कर शेडो, दें। ओके समझाता हूँ मैं, इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल जे, इमेज में आए, थर्ड ऑप्शन है ऊपर इमेज, ठीक है। इमेज पे क्लिक करने के बाद एडजस्टमेंट मोड के बाद एडजस्टमेंट सेकंड ऑप्शन, और शेडोज हाइलाइट, इस पे क्लिक करें, इमेज के हिसाब से वो खुद वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है। हाँ, इसको ज्यादा नहीं करना आपने, ये क्या करेगा कलर को डल करेगा, यहाँ पे कंट्रोल जी करें, इसको कम करें, देखें कलर को डल करेगा, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ये इस तरह है कि जो आप लोग न्यू है ना, आपको इसमें कंट्रास्ट ऐड करना नहीं आएगा, जिनको पता है वो कैमरा रॉ फिल्टर में जाके कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं। बेटर यही होगा कम से कम वैल्यू यूज करें, और इसको करें ओके, लें जी आपका रिजल्ट यहाँ पे फाइनल है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, यानी कि इस पे मैं अप्लाई करता हूँ ना, मुझे वो चीज़ नहीं मिली थी जो उस पे मिल रही थी, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये चीज़ें भी रहती हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करते हैं कैंसिल, ठीक है। एक यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बनाई मैंने, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड होता है डार्क को लाइट करने के लिए, डार्क को खत्म करने के लिए नॉर्मल पे क्लिक करें सिंपली, और स्क्रीन पे आके क्लिक कर दें, और ये हो गई लाइट यहाँ पे। इसके बाद आप आए इमेज में, एडजस्टमेंट में, और फिर आप ये अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद भी कुछ चीजें हैं, ये जगह लाइट करने के लिए कैमरा फिल्टर यूज होगा, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल यही इनफ है। हाँ जी, पसंद आया, किसको पता नहीं था और किसको पता था, ओके गुड, लेयर मास्किंग हो गई, ठीक है, लेयर पैनल भी हो गया, टूल भी हो गए, नहीं पता था, ओके गुड बात, अच्छा यस बहुत वेलकम। मैंने कहा था ना फोटोशॉप अंदर नजर रहता है, वो नहीं है, इसके अंदर बहुत छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम है, ये समझ लें आप लोग। समझ टूल रिपीट कर दें, समझ टूल मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैं समझाता हूँ, मैं शेडो हाईलाइट से नहीं बल्कि इनवर्ट से, क्या हो इनवर्ट से, ओके। हर किसी की टेक्निक है, एक काम करने के 10 तरीके हैं फोटोशॉप में, आप जो मर्जी यूज करना चाहें। समझ टूल खैर मैं पढ़ाना नहीं चाहूंगा, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या चीज है। जूम करते हैं, इस इमेज पे आते हैं, समझ टूल क्या करेगा, कलर को मिक्स करता जाएगा, खिचड़ी बनाता जाएगा। ब्रश में लेके आता हूँ यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये देखिए क्या करेगा, उसकी खिचड़ी बना रहा है यहाँ पे, कलर्स को मिक्सअप करेगा, समझ आ रही है, कलर्स को मिक्स करेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखें, अगर आप लेट्स सपोज स्मज पेंटिंग कर रहे हैं तब आप ये यूज कर सकते हैं, स्मज पेंटिंग के लिए बेटर है मिक्सर ब्रश ना के स्मज पेंटिंग टूल, ठीक है।
वैसे आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में कोई काम का नहीं है, काम इसका यही है कलर को मिक्स करना। ठीक है, आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ओवरले में विविड से यूज किया था, ओवरले से विविड, हाँ ये भी कर सकते हैं। ब्रश को इंस्टॉल कैसे करें, ओके ये मैं आपको बता देता हूँ। न्यू ब्रशेज, ठीक है ये बताता हूँ आपको। ब्रशेज को डाउनलोड करने के लिए जो बेस्ट वेबसाइट है वो है ब्रश इजी, ब्रश इजी, ब्रश इजी के बाद ये ब्रश इजी। अब मैंने कुछ ब्रशेज डाउनलोड किए वो भी आपको दिखाता हूँ। 18 फाइल होती है ब्रशेज की, वो भी आप देख लें किस तरह होती है, ताकि जिनको पता नहीं है वो देख लें। मेरे पास ये ब्रशेज हैं और इनका जो थंबनेल होगा वहाँ पे लिखा होगा ATN, यहाँ पे नहीं शो हो रहा। जब मैं लोड करूंगा फोटोशॉप में तब यहाँ पे हमें शो होगा। आप आते हैं यहाँ पे फोटोशॉप में, आपने क्या करना है ब्रश टूल में आना है, बेशक ना भी आए कोई मसला नहीं है। आप विंडो पे क्लिक करें, ब्रश यहाँ पे इसका पैनल है ब्रशेस का, ये आप ओपन करें, ब्रशेस का पैनल है। ओके यहाँ पे साइड पे देखें फोर आपको लाइंस दिखेंगी, ठीक है क्लिक करते हैं यहाँ पे और इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे वापस आता हूँ, यहाँ पे फोर लाइन्स पे क्लिक करें, इम्पोर्ट ब्रशेस पे क्लिक करें, और जहाँ पे भी आपकी वो फाइल है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ATN सॉरी एक्शन फाइल होती है, ABR है ब्रशेस की, ये है। इसको मैं फॉग ब्रश है जैसे कि, या सनशाइन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, लोड करता हूँ और मुझे लास्ट में वो मिल जाएगा कहाँ पे है। इसको मैं क्लोज करता हूँ सनशाइन, यहाँ पे मैं इसको इनेबल करता हूँ ब्रश में आके, और मैं देखता हूँ कि ये क्या काम करती है। क्लिक करता हूँ और वाइट कलर में साइज इंक्रीज, तो मैं देखता हूँ कि इसका काम क्या है। सनशाइन है, क्लिक करते हैं, लें जी यहाँ पे लाइट ऐड कर दिया उसने। अगर मैं कोई और लेके आता हूँ, ये चीज़ है, डिपेंड करता है कि मुझे लाइट कौन सी चाहिए, कौन से एंगल में चाहिए। ओके ओके ये चीज़ें हैं, आप डाउनलोड करें ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त होती हैं यहाँ पे। लें जी ये भी है, काफी सारी टाइप्स की आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर ग्रॉस का मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैनिपुलेशन के लिए मैं यूज करता हूँ, तो ग्रॉस के लिए भी बहुत सारे हैं यहाँ पे ब्रशेस, आप स्मॉल करें साइज। लेट्स सपोज आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ब्रश सॉरी ग्रॉस को, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, ये है। ये मैं यूज करता हूँ कहाँ पे, जहाँ जब मुझे लेयर मास्किंग करनी हो। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये फेक लगेगा कहीं ना कहीं। हाँ ये कर सकते हैं जहाँ बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपने अप्लाई करना हो, यानी कि यहाँ बहुत से दूर यहाँ पे छोटे से साइज में, तब आप कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, और क्लिक करना ऐसे ना कि ऐसे, क्लियर है। हेयर ब्रश भी है मेरे पास, नहीं है वैसे आपको मिल जाएगा उस वेबसाइट पे। हेयर ब्रश बेकार होते हैं, मुझे कभी काम नहीं आए, आप खुद बना सकते हैं, और बनाने से बेहतर है डाउनलोड कर लें, इतनी मेहनत कौन करे, आजकल हर चीज अवेलेबल है। तो सर हेयर हेल्प, डाउनलोड करने में काफी दफा ना मुश्किलात होती हैं। एक दफा किसी क्लास में ना किसी भी किसी मतलब ऐसे ब्रशेस को या किसी और चीज को डाउनलोड करके प्रॉपर दिखा दीजिएगा। मैं अभी समझा देता हूँ। ब्रश इजी में आए, आप हेयर ब्रशेस को भी वैसे ऐड करेंगे जैसे मैंने वो करके दिखाया, कोई भी ब्रश हो वैसे ही ऐड होगा जैसे मैंने आपको दिखाया, इससे अलावा कोई तरीका नहीं है। ब्रश इसी वेबसाइट है, और लेट्स सपोज मुझे हेयर चाहिए, यहाँ पे हेयर, ओके हेयर में आने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे कौन सा काम करना है और किस तरह के मुझे हेयर चाहिए। ठीक है, सब लोग फोकस करें, सबके काम की चीज़ है ये। और देखें यहाँ पे कोई खास ब्रश नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं आप काम क्या करना चाहते हैं, हेयर आपको चाहिए क्यों? जल्दी से बताएं, टाइम हो रहा है।
बेड ऐड करने के लिए। ओके तो डायरेक्ट हम बेड वाला उठा सकते हैं, बेड वाले हमें मिल जाएंगे यहाँ पे बेड बेड। हाँ दूसरी बात, क्लोन स्टैम्प टूल पढ़ाया था मैंने आपको, जिसकी बेड कम होती है किसी जगह पे मिसिंग होती है, वो मैं रियलिस्टिक ऐड करना सिखाऊंगा आपको, मुझे कल नेक्स्ट क्लास में याद दिलाएगा या अभी लास्ट में मुझे टाइम मिला तो अभी समझाता हूँ। लेकिन किसी की बेड है ही नहीं, उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें बेड कवरेज मिल जाएगा, जैसे कि ये ठीक है। वैसे कोशिश करें नेचुरल बनाया, जैसे कि ये है, इसको मैंने क्लिक करके ओपन किया और फ्री डाउनलोड पे क्लिक करें, 5 सेकेंड वेट करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। आईडीएम तो आईडीएम से होगा, आईडीएम ये अगर है टोटली तो फ्री है अगर से या फिर होगा प्रीमियम बीएसएनएल? इसमें, मैंने तो आज तक फ्री देखे हैं, प्रीमियम शायद हो, ये डाउनलोड हो चुका है, मैं देख लेता हूँ अभी, फ्री है आई थिंक। हाँ टोटली, हाँ इसमें प्रीमियम भी है, यहाँ पे देखें लाइसेंस टाइप प्रीमियम भी है, तकरीबन यार फ्री आते हैं जो प्रीमियम है ना, टॉप लाइन में आ रहे हैं प्रीमियम यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके मैं आता हूँ यहाँ पे डाउनलोड में, और कंप्रेस्ड के फोल्डर में यहाँ पे है मेरे पास पार्टिकल, ये था ना, हाँ ये ब्रश है, कट करता हूँ यहाँ पे आके, इसको आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, और आपको ये फाइल मिल जाएगी यहाँ पे, ये वाली मैक वाला फोल्डर आप डिलीट कर दें अगर आपके पास मैक नहीं है। और ब्रश का नाम क्या था हमारा, फ्री नेम फोटोशॉप ब्रशेस, मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ, इम्पोर्ट फ्री नेम, ठीक है। अब काफी सारे ब्रशेस बेकार भी आ जाते हैं तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आप यहाँ पे देखें ब्रश में आए लें जी, बेड आ गई आपकी, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज है उसको आप लेयर मास्क के थ्रू हाइड कर दें, जो आपको पसंद आए उसको आप उसके साथ आप कार्टून बना लें। वैसे मैं ये कभी भी यूज नहीं करता, आप देखें ये वेक्टर है ना कि इसमें हेयर्स हैं रियलिस्टिक, ठीक है। आप इस तरह का देख लें ये बेहतर होगा आई थिंक, इसके बाद ये वाला अच्छा है, और फिर ये वाला बेटर है, ये उठा लें आप, ठीक है। क्लोन से हटके लेकिन फेक लगती थी, हाँ जी बिल्कुल लगेगी, आप प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ रियलिस्टिक काम चाहिए मैं सिखाऊंगा। हाँ जी आर्टिफिशियल लुक दे रहा है बिल्कुल, ये वेक्टर है ना, हेयर है ही नहीं, इस वजह से मैं कुछ यूज नहीं करता। पीएनजी भी तो लगा सकते हैं, नहीं पीएनजी या ये चीज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप रियलिस्टिक वर्ड काम करें, कैन नॉट वी एड पीएनजी, भी एड कर सकते हैं, हाँ रियलिस्टिक अगर मिल जाए तो वो आप कर सकते हैं। पीएनजी के लिए भी जबरदस्त वेबसाइट है जो मैं यूज करता हूँ, पीएनजी विंग, यहाँ पे आपको फुल क्वालिटी की पीएनजी मिलेगी। मजे की बात है, 30 या 40 लोगों को बताया, किसी एक को भी समझ नहीं आई ये यूज कैसे करें, हालांकि इसमें कोई साइंस नहीं है, बहुत इजी है, ब्लड लिखते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट हमें मिलता है या नहीं मिलता, अगर कोई मिल जाती है, हाँ ये देखें रियलिस्टिक है, लेट्स सपोज हमें ये चाहिए, इसको आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है, डाउनलोड दिस पे क्लिक करना है, आपसे ये कैप्चर लेगा यानी कि आप इंसान हैं या नहीं है ये प्रूव करें, और उसके बाद आपको ये पीएनजी मिल जाएगी यहाँ पे, आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, गुड क्लियर है। ओके ओके गुड, ठीक है, हाँ जी हमारा समझ भी हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट है हमारे डॉज एंड बर्न टूल, जो कि बहुत ही काम के टूल हैं, शॉर्ट है, यानी के एक ही काम है लाइट करना है डार्क करना, लेकिन बहुत ही जबरदस्त है, उसके लिए मैं इमेज लेके आता हूँ कोई, लेट्स सपोज मेरे पास, हाँ
ये है, ठीक है ये देखता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे ये बंदा कौन है, ये मेरा दोस्त नहीं है, फोटोग्राफर है, यूट्यूब पे चैनल है इसका, फैसलाबाद से है ये बंदा, मैं खुद नहीं जानता कौन है। हम वापस आते हैं अपने यहाँ पे टूल पे, राइट क्लिक करें, डॉज टूल, डॉज टूल क्या करेगा, लाइटिंग ऐड करेगा, किसी चीज को लाइट करेगा, ठीक है। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ हल्की इसकी वैल्यू रखें, कम रखें, उसको ज्यादा यूज ना करें, ओवर यूज, हल्का सा यूज करें, कोई फिल्टर है, कोई भी टूल है, बार बार कह रहा हूँ आपको। और वापस आते हैं यहाँ पे, ये ग्रुप में कौन है यार? अच्छा ब्रशी जी वेबसाइट, ठीक है गुड, अच्छी बात है, लिंक आपने शेयर कर दिया, बड़ी फास्ट सर्विस है। मजिया हबीब, ठीक है गुड जॉब, यहाँ पे फोकस करें सर, ये कल के लिए, कल तो क्लास भी नहीं होगी, संडे है, ये शॉर्ट है, इतने लेंथी नहीं है आप पढ़ने, ये क्या करेगा, सेम वही वैल्यूज हैं जो कि अब लड़की थी, यहाँ पे हम देखते हैं 100 वैल्यू और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। हमने क्या कहा, ये लाइट करने के काम आएगा, लेट्स सपोज, मैं हमेशा ये करता हूँ जो स्किन स्मूथ करता हूँ ना, उसमें लाइटिंग वगैरह ऐड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और शीट के साथ यहाँ पे क्लिक, मुझे यहाँ पे हाईलाइट ऐड करनी है, लेकिन ये कुछ ओवर है, मैं क्या करता हूँ इसका एक्सपोजर मैं रखता हूँ 50, और अब मैं अप्लाई करता हूँ, लें जी गुड है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आईज के अंदर मैं लेंस ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि जो रिंग होती है ना उसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, और ब्रश साइज कम करता हूँ, एक्सपोजर 100, ठीक है, आईज में लेंस ऐड करना चाह रहा हूँ, इसमें भी आता हूँ, लेंस ऐड करने के लिए वैसे और तरीका है, फिलहाल यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं तो मैंने इसलिए बताया आपको। इसको हाइड करें, देखें यहाँ पे हाईलाइट हमें ऐड कर दिया हमने, और यहाँ पे देखें ये डिफरेंस है, ठीक है, ये काम आएगा हाईलाइट को ऐड करने के, फ्राइडे टू संडे, हाँ जी, और फ्राइडे क्या है, फ्राइडे शायद नेक्स्ट हो और इसके बाद ना हो, फ्राइडे मैंने इसलिए रखी थी कि जल्दी से बेसिक कवर हो जाए और हम असाइनमेंट की तरफ आ जाए, ठीक है, गैप आ रहा था काफी, तो हो सकता है अगले फ्राइडे हो क्लास और उसके बाद फिर वही संडे उससे चल रही है जो हो, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं होगी सॉरी फ्राइडे, क्योंकि मेरे आगे कुछ प्लान है तो फ्राइडे को मैं बिजी हो जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बर्न टूल है, बर्न टूल क्या करता है, किसी भी चीज में डार्कनेस लेके आने के लिए, उससे पहले आपको बताऊं बॉयज के लिए स्पेशल चीज है, यहाँ पे हेयर्स में कोई और में लेके आता हूँ, उसमें डिटेल ऐड करने के लिए, यानी कि कोई आपने कलर ऐड करना है ना, शाइनिंग ऐड करनी है, उसमें आप डॉज टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये है कंट्रोल जे करते हैं, डॉज टूल है, इसमें भी क्या है, इतना वो खास रिजल्ट नहीं मिलने वाला, काफी लोगों के आपने हेयर देखे होंगे कुछ इस तरह से उन्होंने ऐड की थी लाइटिंग, आप इस तरह कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। नेक्स्ट है मैंने कहा कि बर्न टूल क्या करता है, ब्लैक करता है, काफी लोग कहते हैं कि बेल्ट है या हेयर्स हैं कुछ भी है उनको हमने ब्लैक करना है, कुछ रेयर लेके आना है, यानी कि पूरी इमेज रिटच है, सेचुरेशन है, कंट्रास्ट है, लेकिन जो हेयर्स है ना ये फेक है, यहाँ पे इनको डार्क करने के लिए हम यूज करेंगे बर्न टूल। बर्न टूल क्या करते हैं, इसका एक्सपोजर क्या 30 है, और साइज जो मुझे ठीक लगता है मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ, क्लिक करके मैं अप्लाई करूंगा बेल्ट पे, और के बाद हेयर्स पे, ओ इसकी शॉर्टकट है, इसको भी ज्यादा यूज नहीं करना, ज्यादा यूज करने से क्या होगा वो भी समझाता हूँ आपको, इसी पे आता हूँ, ओ और इसका जो एक्सपोजर 100 है, लेट्स सपोज इसको बार बार यूज करें, ये क्या करेगा, ये फेक ब्लैक लगेगा यहाँ पे, ना कि रियल ब्लैक, ये फेक लगेगा एक हद तक आगे ना, ये देखें फेक लगेगा, तो आपने इसको ओवर भी यूज नहीं करना, हल्का सा यूज करें जस्ट एक लुक देने के लिए, ना कि इसको यूज करते रहें, ये आपने कभी भी नहीं करना, ठीक है, ये एग्जाम्पल वही है, चिरकिले भी बताना था या आप नहीं, बहुत बुरे लगते हैं सर मुझे ये, नहीं है बुरे, नहीं है ये बुरे आपको लगते हैं क्योंकि आपको यूज करना नहीं आते, ये प्रोफेशनल टूल है, मैं आपको आगे समझाऊंगा, आपको मैं दिखाता हूँ कुछ स्पेशल दिखाता हूँ, टूल्स फिर आप के बारे में, बताना, ये जो बॉल हाँ है जी बॉल ऊपर से गलत है ना, थोड़े थोड़े बर्न टाइप लोग वो कह रहे हो बहुत बुरा लगता है।
हाँ वो चॉइस है यार, हर हर बंदे की ना चॉइस है, हर बंदे की चॉइस है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को बुरी। ओके, गलत पिक्चर के लिए भी बताना था एक आपने, कुछ बताना था मैंने इसके अलावा। जिस दिन आपने वो स्मूथ वाला बताया था उस दिन आपने कहा था ना कि ये बॉयज की पिक्चर्स नहीं अच्छी लगता है यूज करना, गर्ल्स की पिक्चर्स हाँ में नहीं हाँ करना, मैं बाद में जी बताऊंगा। ठीक, गर्ल्स की पिक्चर के लिए मैंने अभी बताया कि पिंपल रिमूव करें, थोड़ा लाइट करें, थोड़ा सा उसको रिटच करें, ठीक है, ओवर ना करें, और मिक्सर ब्रश अप्लाई करके ना उसकी लेयर की ओपेसिटी बहुत कम कर दे, 30 40 या 50। वैसे उसके लिए जो टेक्निक है ना, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है, वो मैं थोड़ा टाइम बाद समझाऊंगा ताकि जो बिगिनर्स है ना उनको भी समझ आ जाए। वैसे नाम लिख देता हूँ जिनको फोटोशॉप आता है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं वीडियो, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, ये फोटोग्राफर यूज करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, मॉडल होते हैं, उनकी इमेजेस के लिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है, गुड। कोई टॉपिक रह तो नहीं गया जो मैंने कहा, मैं बाद में समझाता हूँ। सर फ्लो क्या होता है? फ्लो हाँ जी, फ्लो सॉरी, लिखे मैसेज मुझे समझ नहीं आ रही। FLOW अच्छा, यहाँ रहता हूँ, हाँ नहीं बताया मैंने। ओके, फिल है ये, फ्लो नहीं है, फ्लो होता है ब्रश में से कितनी, एग्जांपल लेता हूँ, पेन हम यूज करते हैं ना उसमें से कितनी इंकारी है ये नहीं आ रही, फ्लो वो वैल्यू होती है, ठीक है। और बियर्ड को क्लोन करना बताना था आपने, ठीक है, ये भी मैं देखता हूँ कोई इमेज आया तो। और उससे पहले मैं फील समझा देता हूँ, बिगनर्स को ये नहीं पता ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या चीज है, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, जस्ट आप ये देखेंगे फील में फर्क क्या है, सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। अपना नाम नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, ओके। इसकी जगह पे मैं ऐड करता हूँ बेवल और कलर, ओके। इसके बाद सर बेवल जी आपका खुद का बनाया हुआ फोन है? फॉन्ट नहीं, ये डाउनलोड किया मैंने, लैपटॉप वाले मैं कभी यूज नहीं करता और ना ही मैं यूज करने देता हूँ, ये साथ साथ ही आपको बताता जाऊँ क्या यूज करेंगे क्या नहीं करेंगे। लैपटॉप वाला फोन कभी यूज ना करें, ये बेवकूफी है। ओके, इसके बाद आई थिंक ड्रॉप शेडो, नहीं ये नहीं, ठीक है इनफ है। ओके, अब हम आते हैं ओपेसिटी में, ओपेसिटी में यहाँ पे रखता हूँ ऑलमोस्ट 0 कर देता हूँ, 0। 0 करने से क्या हुआ, पूरी लेयर की ओपेसिटी 0, यानी कि ओपेसिटी क्या होता है, पूरी लेयर पे अफेक्टेड होती है, इसको हम फुल करते हैं। अब हम आते हैं फिल में, फिल क्या करेगा, जो अभी मैंने यहाँ पे ये फिल्टर अप्लाई किया है, यानी कि आप ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करें और आपको जो भी ये फिल्टर मिलते हैं, एंटर करता हूँ, डबल क्लिक करें यहाँ पे, और आपको जो भी फिल्टर मिलते हैं इनमें से कोई भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं फिल की वैल्यू। अब मैं फिल को करता हूँ यहाँ पे 0 और आप देखें क्या होगा, ओपेसिटी डाउनलोड करना भी समझाऊंगा मैं आपको। ओके, फिल को आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, मैं हाइड करता हूँ, ठीक है, इसको आप काम करें और इसको आप फुल करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, लें जी, फिर मेरे पास काम ही नहीं कर रहा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पे फिर काम करते हैं, ये अब हो गया, ओपेसिटी हो गई 100। ओके, यहाँ पे देखें क्या है,
मैंने क्या अप्लाई किया, बेवल एंड एम्बॉस, और वो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अच्छा यहाँ पे देखें जो हमने फिल्टर अप्लाई किया वो नजर आ रहा है, लेकिन जो लेयर पे था यानी कि हमने लिखा था या हो सकता है इमेज हो सकता है ब्रश अप्लाई किया हो, वो हाइड हो गया। जो हमने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगेन डबल क्लिक करूँ और अब मैं अप्लाई करता हूँ लाइक स्ट्रोक है, स्ट्रोक वाइट कलर में, सॉरी ब्लैक में, इसके बाद ड्रॉप शेडो, यानी कि कुछ भी मैं ऐड करता जाऊंगा वो ऐड होता जाएगा, लेकिन टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं देगा। अगर मैं फिल बढ़ाता हूँ तब हमें वो चीज़ नजर आएगी, अदरवाइज ये हाइड। तो ये डिफरेंस है फिल एंड ओपेसिटी में, समझ आ गई या क्लियर है? फ़ॉन्ट सर ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये नॉटी मॉन्स्टर है, नाम लिख देता हूँ। मॉन्स्टर नहीं, मॉन्स्टर है मेरे ख्याल में, हाँ मॉन्स्टर है, डिस्प्ले फॉन्ट है ये, फूड के लिए जबरदस्त है, प्रोफेशनल है। क्लियर सर, मीन्स फिल करो, फिल कलर को फिल अनफिल करता है, ओपेसिटी जो वो ट्रांसपेरेंट लुक, हाँ ओपेसिटी पूरी लेयर को डाउन करेगा, और फिल क्या करेगा जो लेयर को डाउन करके फिल्टर को रखेगा अपने पास। नॉटी मॉन्स्टर फॉन्ट है, इस का फिल वाइट भी कर सकते थे हम, हाँ वो भी कर सकते थे, वो तो अलग बात है ना, वो तो बात है कि इस तरह का लुक लाने के लिए हम वाइट कर सकते थे, लेकिन मैं असल में समझाना चाह रहा था कि फिल का क्या काम है, ठीक है। वाइट आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। हाँ जी नेक्स्ट, फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए भी बताता हूँ आपको इसके बाद। फॉन्ट्स के लिए जबरदस्त वेबसाइट है गूगल फॉन्ट्स, इसका फायदा भी आपको समझाता हूँ क्या है, इस पे आए आप। ओके यहाँ पे आते हैं, लेट्स सपोज हमें रोबोटो फॉन्ट पसंद आया, खैर मुझे पसंद नहीं है ये, वैसे हो सकता है आपको पसंद आए, और इसमें आते हैं, और ये इस तरह की ये कुछ फैमिलीज हैं, ठीक है। मेरे पास एक फ़ोन था मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी 118 फैमिलीज थी, डिपेंड करता है कौन सी, जिसकी 18 फैमिलीज होती हैं, जस्ट 18 समझे वो कंप्लीट है हमारे लिए हद लिहाज से। ये फ़ोन है, और इसकी अच्छी बात आपको बताऊँ, लाइसेंस क्या है, लाइसेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, यू कैन यूज दम फ्रीली एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट प्रिंट डिजिटल कमर्शियल एंड अदरवाइज कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आबिद भाई और बाकी लोग जो फाइबर यूज़ कर रहे हैं ना, आप गूगल फोन के फोन डाउनलोड करें, इनको यूज़ कर सकते हैं कमर्शियली। इसके अलावा जो दा फोन है, फोन स्क्रल है, 1001 वेबसाइट है, ये टोटली बकवास है, कभी भी यूज ना करें, इन पे प्रोफेशनल फोन नहीं होते, ऑटो जनरेटर होते हैं, वहाँ पे फोन बना के डाल देते हैं। दिखाऊंगा मैं ये भी क्या चीज़ है, टाइपोग्राफी जब हम पढ़ेंगे ना ये डिटेल में देखेंगे। इसके बाद कोई क्वेश्चन है तो पूछें जल्दी से, टाइम हो गया। द फॉन्ट वेबसाइट का लिंक भेजा है किसी ने ग्रुप में, इसको कभी यूज ना करें, सॉरी जितने भेजा है माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। हाँ गूगल फॉन्ट बेस्ट है, ओके ज्यादातर इस वेबसाइट से करता हूँ डाउनलोड। हाँ जी इसके बाद मैं और वेबसाइट बताऊंगा, फिर गूगल फॉन्ट छोड़ दोगे आप। फोन स्पेस भी है एक, वो भी बकवास है, बी फोन वेबसाइट, हाँ जी ये मैंने बताई थी आपको, ये यूज करें इसके बाद आप हर वेबसाइट भूल जाएंगे। यहाँ पे प्रीमियम वाले भी फ्री में मिलेंगे और बड़े प्रोफेशनल होंगे। ये जो नाम लिख के भेज रहा हूँ ना, ये आप कभी भी यूज ना करें। ओके नेम टेक्स्ट करें, ग्रुप में अगेन मैं भेजूंगा लिस्ट, अब वो वेबसाइट भी तो है, सॉरी एडोब, एडोबी वेबसाइट तो फिर हमारे लिए नहीं है ना, हम तो पाकिस्तान में ठहरे फ्री वाले, वहाँ पे तो उसको मिलेगा जो प्रीमियम यानी कि परचेज करके बैठा होगा। पी फोन पे हर रोज न्यू फोन आए होते हैं, हाँ जी यहाँ पे अपडेट होते हैं,
डेली मॉडर्न फॉन्ट आते हैं और प्रोफेशनल होते हैं। हाँ एक चीज है कि यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए होते हैं। ओके गुड, ठीक है। टॉपिक जो हमने करने थे वो कर लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो करें, कोई लीव करना चाहे कर सकता है। मैं अब असाइनमेंट ग्रुप में भेज दूंगा। जिन लोगों ने असाइनमेंट वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर लें, ठीक है। जिनको लिंक नहीं मिला वो बता दें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। ये ग्रुप में फनी मैसेज कर रहे हैं, इन्होंने फोन के लिए वेबसाइट बताई थी। कोई नहीं, अच्छी नहीं है, मैंने अभी बताई है ना, लेकिन मजाक ना बनाया। ओके जी मान लो सर जी। ओके अल्लाह हाफिज। ऐड करना बता रही, जैसे आपने वो अंदर ऐड किया था कोई टूल उसका, जैसे हीरे वाला ऐड करना होता है। क्या चीज़? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सारे जा रहे हैं, मैंने देखा नहीं, सॉरी यार। ओके अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, क्या पूछे आपने? मैसेज कर दें, टेक्स्ट काफ़ी नॉइज आ रहा है।